हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, मैं आपको अपने पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हर बैंक आपको मिस्ड कॉल बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं। हर बैंक के अपने टोल फ्री मिस्ड कॉल नंबर होते हैं। इन मिस्ड कॉल नंबर पर अगर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं तो आप कभी भी कहीं भी घर बैठे अपना बैंक बैलेंस और अपना मिनी स्टेटमेंट पता कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मिस्ड कॉल नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक centralbankofindia.co.in है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मिस्ड कॉल नंबर कहाँ पर मिलेंगे। आप ये सबसे पहला ऑप्शन देख रहे होंगे पर्सनल का। पर्सनल में आप यहाँ पर एक ये ऑप्शन देख रहे हैं डिजिटल बैंकिंग का। हमें डिजिटल बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये एक पेज ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में सेकंड नंबर पर मिस्ड कॉल फैसिलिटी। मिस्ड कॉल फैसिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो नंबर दिए हुए हैं। अब इन नंबर पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, मतलब जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उस नंबर से मिस कॉल करनी है। आप इन नंबर पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपके पास मैसेज आएगा जिसमें आपके बैलेंस की इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अपने बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर 9555244442 इस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे। और अगर आपको अपना मिनी स्टेटमेंट जानना है, यानी कि आपके अकाउंट के जो लास्ट 5 ट्रांजैक्शन है वो आपको जानना है, तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है 9555144441। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।